हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, और ममता का भी इधर बर्थडे सामने आ गया है, तो करीना बोल रही कि मेरे लिए भी एक साड़ी खरीदना है। तो साड़ी को दोस्तों ब्लाउज भी सिलाना पड़ता है, इसलिए एक सप्ताह टाइम लग जाता है। तो दादी माँ के लिए भी कुछ कपड़ा लेके आना है, और करीना के लिए, बाकी सबके लिए तो कपड़ा है, वैसा हो सकता है, देखते हैं। ममता के लिए भी लेंगे बर्थडे में। लेकिन अभी 3:30 बज रहा है दोस्तों, और बाज़ार शाम को ही लगता है, गांव से कुछ ही दूर में है, 5-7 किलोमीटर के दूर में। तो चलिए जाके देखते हैं। और दादी माँ तो उधर अभी बर्तन धोने जा रही है, उस सबसे भी मिल लीजिए। तो देखिए, मैं आवाज़ दिया दादी माँ को और रुक गई, आ रही है। ये देखिए आई और जोहार कर रही है। तो अभी दिन को ही बर्तन सब धो के रखती है और खाना सब बनाती है। किसी दिन देखेंगे दोस्तों कैसा खाना बनाती है। हेलो दोस्तों, बाबू जी, बाबू तो बिजी है अभी। इधर से हेलो कर दो, चलो हेलो कर दो। हेलो बेटा, हेलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो अभी शायद आने में शाम भी हो सकता है, इसलिए हम लोग थोड़ा मोटा कपड़ा पहन लिए हैं। तो दोस्तों, पहले साड़ी नहीं लेने से क्या बोलते हैं, ब्लाउज को जल्दी नहीं सी देते हैं, इसलिए आज ही जा रहे हैं। तो दिन को तो हम लोग धान काटने सब गए थे, तो इसलिए अभी शाम को जा रहे हैं। और दादी माँ को तो देखेंगे कोई कपड़ा, उसको सवेरे देंगे, अभी तो दे नहीं पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो करीना भी आज सूट पहनी है, लाल लाल से सब कपड़ा पहने हुए हैं। और ये देखिए, ये वाला सूट भी बहुत बढ़िया लगती है करीना। तो परदेश में थे तो उधर खरीदी थी ना करीना जी। सो दोस्तों, हम लोग बाजार पहुंच चुके थे और करीना पहले प्याज ले रही है। बाबू, ये वाला स्टोन ले जाइए। बाबू खरीद रहा है अभी जिलेबी ना बेटा, पैसा दिखाओ। ओहो, पकड़ो पकड़ो। तो दोस्तों, शाम हो चुका है, तो चलिए सवेरे मिलते हैं। अभी तो सब बाजार अभी ख़त्म हो चुका है, तो फटाफट से चलते हैं, स्कूटी के पास आ चुके हैं ना बेटा। बाबू तो मिठाई खाया। सो चलिए सवेरे मिलते हैं, अभी तो शाम हो चुका है। ममता तो मिठाई खा ही रही है, बाबू पहले खा चुका था ना बेटी। तो दोस्तों, अभी गुड मॉर्निंग, सवेरे का 8:30 बजने वाला है। तो सवेरे तो बहुत ठंड होता है, इसलिए वीडियो हम लोग बना नहीं पाए। तो दादी जी भी इधर आई है, बैठी आए हैं धूप में, बहुत अच्छा अभी तो धूप निकला हुआ है। तो क्या सब खरीदी थी करीना, चले देखते हैं। तो देखिए, रात को हम लोग थैला को भी नहीं खोले थे, ऐसे ही ला के रख दिए थे। करीना अपने लिए साड़ी, और शादी भी है घर में दोस्तों, इसलिए ऐसे साड़ी ली है। और
ममता के लिए भी है। ये देखिए साड़ी के अंदर पेटीकोट वाला सब दादी के लिए। और अपने लिए भी ली है। और ये देखिए ममता के लिए, ममता जींस के बहुत शौकीन है और जींस ही पसंद करती है ज़्यादा। ये देखिए तो ममता के बर्थडे के लिए है ये सब। तो दोस्तों ये तो पहले पहनेंगे होंगे क्योंकि ममता के बर्थडे से यहाँ घर में शादी भी है, तो पहले पहनेंगे। तो मिर्चा भी ली थी, बहुत ज़बरदस्त बड़ा बड़ा मिर्चा ली है। तो ये देखिए मिर्चा इतना बड़ा बड़ा है दोस्तों। तो ब्लाउज वाला दिखा दीजिए, ब्लाउज वाला, ब्लाउज उधर इधर है। तो दोस्तों ये देखिए इसको सिलाना पड़ता है ब्लाउज के लिए। तो इसलिए 4-5 दिन टाइम लग जाता है और साड़ी को साइड साइड में सिलाना पड़ता है। तो दादी माँ को बुलाया हूँ, आ रही है। प्रणाम कर रही है। ठंडा में तो ऐसा, ठंडा में तो बाला है, ठंडा में तो बाला है बोल रही है। ले नाती ले दे, नाती नाती ना। तो बोल रही है मेरा पोता पोती खरीद के दिए हैं बोल के। तो 2-3 दिन से बोल रही थी दोस्तों कि पुराना है तो दे दीजिएगा बोल के, तो नवा खरीद के ला दिए। ममता सब तो उधर चावल खा रहे थे धूप में। तो ममता तो स्कूल जाने के लिए बाहर क्या बोलते हैं धूप में बैठ के खाना खा रही थी। अभी स्कूल जाएगी ना बेटिया? सो दोस्तों आज का ही कुछ वीडियो था। तो हम लोग इसलिए शाम को गए थे कि इसको आज सिलाने भी देना है, इसलिए तो करीना सोचे कि ममता के लिए भी खरीद देंगे बोल के। तो बाबू के लिए तो खरीद दिए थे और बहुत सारे दोस्त भी बोलते हैं दोस्तों आप तो खरीदते नहीं हैं बोल के। तो दोस्तों मैं जहाँ काम करता था वहाँ मेरा मालिक सब भी खरीद के बहुत दिए थे, मतलब कि 2-3 साल था तो उसमें बहुत कपड़ा दिए थे। वही कपड़ा अभी मेरे पास है सब है। और कपड़े का दुकान था मेरा मालिक का बेटे का, तो उसका दोस्त का, तो वो सब पुराना हो जाता था दुकान में, तो सब ऐसा ही दे देते थे, इसलिए बहुत है कपड़ा मेरे पास। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों बाबू तो हम लोग का खेलने चल गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। बाय बाय दोस्तों। तो यही कुछ वीडियो था दोस्तों। और हाँ दोस्तों पहली बार हम लोग का चैनल में आए हैं तो प्लीज चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।